हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? वी होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज जी हमारे पास है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का पता है जी? जी चंडीगढ़ वाली है। चंडीगढ़ पे तो गाने भी बहुत ज्यादा, चंडीगढ़ पर बहुत पंजाबी सॉन्ग है। और चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस बहुत मशहूर है, यूनिवर्सिटीयां कॉलेजेस, ज्यादातर लोग वहां पढ़ने के लिए जाते हैं चंडीगढ़। वैसे चंडीगढ़ अपर मतलब जो इंडिया का पंजाब है उसका कैपिटल सिटी है पंजाब का। चले देखते हैं आज चंडीगढ़ करें स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ को प्लैंड सिटी क्यों कहा जाता है और ये दो बड़े राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्यों है? अगर नहीं तो चलिए आज के स्टूडियो में चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी। हरियाणा की भी यही, हरियाणा की भी यही है, पंजाब की भी। अच्छा, मैं ये समझता था कि सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा पहले पंजाब की था, बाद में हरियाणा स्टेट अलग की गई थी, हिमाचल हरियाणा ये जो है सेपरेट इसको किया गया था। ठीक है, बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। वैसे तो इस सिटी का इतिहास कई हजार साल पुराना है, लेकिन आजादी से पहले ये पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। जब बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तब चंडीगढ़ को पंजाब की नई राजधानी बनाया गया। अब ये दो राज्यों की राजधानी कैसे बना, इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, हरियाणा भी कभी पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर 1966 में पंजाब की हिंदी भाषी पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा बना दिया गया, जबकि पंजाबी भाषी पश्चिमी भाग को पंजाब में ही रहने दिया गया। चंडीगढ़ शहर दोनों की सीमाओं पर स्थित था, इसलिए इसे दोनों राज्यों की कंबाइंड राजधानी घोषित कर दिया गया। हालांकि ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसे गवर्न सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चंडीगढ़ को डिजाइन फेमस फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बोजिए ने किया था। ये अप्रोक्सीमेटली 114 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करता है, जिसका न्यू पॉपुलेशन रिकॉर्ड 12 लाख के करीब है। इस शहर का लिटरेसी रेट 86.05% है। वहीं आरटीओ कोड की बात करें तो PB01 यहाँ की सभी पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों के नंबर प्लेट पर आपको दिख जाएगा। दोस्तों, चंडीगढ़ सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, एडवांस सिटी भी है। यहाँ की इकोनॉमी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसकी GDP ग्रोथ रेट 8.3% के अराउंड है। वहीं पर कैपिटल इनकम 67,370 रुपए है, जो सिटी की रिचनेस शो करती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मेनली एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, आईटी एंड टूरिज्म सेक्टर के रेवेन्यूज पर डिपेंड करती है, जिसके चलते यहाँ की लेटेस्ट GDP $5.5 बिलियन के अराउंड है। चंडीगढ़ एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। चंडीगढ़ का नाम ही चंडी माता के नाम पर रखा गया है, जिनका यहाँ खूबसूरत मंदिर भी है। यहाँ आपको एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन देखने को मिलता है, साथ ही वेस्ट मटेरियल से बना रॉक गार्डन भी यहाँ की शान है। यहाँ आप सुखना लेक, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, टेरेस गार्डन, फन सिटी, आर्ट गैलरी, थंडर जोन, एलेंट मॉल जैसी कई जगहें घूम सकते हैं। ट्राई सिटी में आप पंचकुला और मोहाली के मनसा देवी मंदिर और प्रसिद्ध गुरुद्वारा नाडा साहिब के दर्शन भी कर सकते हैं। वैसे तो इस शहर की कई खास बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ कहीं भी सेक्टर 13 नहीं मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है और इसके पीछे एक मिथ है कि 13 नंबर लकी नहीं होता। इसके अलावा चंडीगढ़ की हर सड़क 26 तरह की फूल प्रजातियों और 22 पेड़ प्रजातियों से भरा हुआ है। यहाँ के किसी गोल चक्कर और पार्क में आपको कोई भी मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आर्किटेक्ट ली कार्बोजिए की शर्त थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखें। अच्छा, वीडियो छोटा था लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव बनाया गया है, जिसमें उन्होंने हर चीज जो है वो चंडीगढ़ के बारे में बताई है। और चंडीगढ़ के ऊपर काफी सॉन्ग्स हैं, पंजाबी सॉन्ग्स जो हैं जो बनते हैं। मतलब लाहौरी मूवी अगर आपने देखी है तो उसका एक सॉन्ग है कि जंजा जानियां जे हुंदियां लाहौर नूं आके चंडीगढ़ गेड़ियां जो मारदे। मतलब चंडीगढ़ के और भी बहुत सॉन्ग चंडीगढ़ में बनते हैं, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि जो लोग विलेज में रहते हैं बच्चे, वो भी पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, वहां पे जाके सेट हो जाते हैं। पंजाब सारा चंडीगढ़ ही पढ़ने जाता है। पंजाब ही ऐसे सारा पंजाब नहीं जाता भाई चंडीगढ़ पढ़ने, बाकी अपने मतलब एक कैपिटल सिटी जरूर है, लेकिन आप और लुधियाना, अमृतसर, जलंधर ये बड़े सिटी हैं जहाँ पर मतलब आपको अच्छी फैसिलिटीज जो है वो मिलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टूरिस्ट के लिए एक अच्छी प्लेस है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाँ बढ़िया है। मुझे 13 सेक्टर का नहीं पता लगा, वो कहते हैं कि 13 नंबर जो है वो कोई अनलक्की नंबर है, इस वजह से 13 सेक्टर आपको चंडीगढ़ में नहीं मिलेगा। तो होगा हर किसी का होता है, जैसे आप एक आइडिया लगाती है कि मेरे लिए ये नंबर सही नहीं है। नहीं, 13 नंबर वो 13
13th जो सेक्टर है वो है ही नहीं चंडीगढ़ में, आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो इसी वजह से उन्होंने जो है वो नहीं रखा। मुझे लगता है कि ब्रिटिश आदमी है इसका नाम ले रहे थे, हो सकता है ये भी उस आदमी चले। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, जबरदस्त इंफॉर्मेटिव माल की वीडियो, बहुत जबरदस्त। हारिया को कैसी लगी है चंडीगढ़ का नाम, पहले सुना हुआ है? हाँ जी सुना, मूवीज में भी। तो चलें अभी जो है हम नेक्स्ट सिटी कौन सी देखें, कुछ और देखते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हो, आपने इंडिया के बारे में काफ़ी सिटीज के अभी आपको पता ही नहीं होगा, बल्कि एक सिटी है। मैं आपको कुछ और जो वीडियोज हैं वो भी दिखाता हूँ, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो अभी देखिए ज़्यादा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।